अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलेंत जम्मल एंड टुडे वी हैव टॉपिक नंबर 9 फ्रॉम सीएसएस 2023 एसए पेपर। आपको पता है कि एसएस काफ़ी सारे अनकन्वेंशनल आए थे, सो इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड सो फार 8 टॉपिक्स फ्रॉम दिस एसए पेपर। आज की वीडियो में हम 9th टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th टॉपिक की भी डिस्कशन मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आई विल ट्राई टू मेक अ प्ले लिस्ट ऑफ दिस सीरीज एज वेल, के आपको एक ही जगह पे सारे के सारे 10 के 10 टॉपिक्स जो हैं उनकी डिस्कशन मिल जाए और आपको इधर उधर घूमना ना पड़े चैनल पे। बाकी आप चैनल पे दूसरी वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का इंस्पेक्टर एफआईए का रिजल्ट भी आया है, सो उनके लिए फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह भी कुछ मिल जाएंगे। बाकी जिनका एएसएफ वगैरह का एमसीक्यूज वाला टेस्ट होना है उनके लिए करंट अफेयर्स 2021-22 जो है दोनों मैंने पोस्ट किए हुए हैं, अलहदा अलहदा प्ले लिस्ट हैं और उनके अंदर मैं और ऐड कर दूंगा। इसी तरह इंग्लिश के एमसीक्यूज की भी प्ले लिस्ट है, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो एक्सप्लोर दोज प्ले लिस्ट एज वेल। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जी। बोथ पेरेंट्स शुड अस्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। नाज़रीन, ये एक हमारे साउथ एशिया में कह लें, पाकिस्तान में कह लें, या फिर थोड़ा सा मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं आप, या ओवरऑल जहाँ पे भी पैट्रियार्की होती है वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने में मिलती है कि जी अ वुमेन इज़ सपोज टू रेज द चाइल्ड, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है और फिर आदमी जो है वो अपनी अय्याशियाँ करता है या वो कहता है बस ठीक है मैं बाहर घूमूंगा अय्याशी करूंगा, दैट इज़ माई राइट। ठीक है, तो ये सोच अच्छी नहीं है, इसके अगेंस्ट जाना है आपने। आपने एक बैलेंस्ड इंसान खुद को शो करना है। जाहिर है कि अगर औरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को संभालती रहती है या पूरा दिन उसी का ख्याल रखती है, सो ये उसकी अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इसी तरह बच्चे की परवरिश जो है वो बैलेंस नहीं होती और औरत जो है उसकी इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो ऑल इन ऑल यू शुड गो अगेंस्ट सिंगुलर रेजिंग ऑफ चाइल्ड, या फिर जो किसी एक जेंडर के ऊपर नहीं रिलाई करना चाहिए। यू शुड अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि येस बोथ पेरेंट्स शुड अस्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। इस ऐसे की जी टाइप है जी आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, यस बोथ पेरेंट्स शुड अस्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आपने उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर बैरियर्स वगैरह जो भी है वो करने हैं। पॉसिबल डायमेंशंस पे आते हैं जी। बेनिफिट्स ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग ये आप लिखेंगे या फिर ये आपको पता होना चाहिए क्यों ज़रूरी है शेयर्ड पेरेंटिंग, उससे क्या फ़ायदा होता है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप शेयर्ड पेरेंटिंग या फिर इक्वल पेरेंटिंग करते हैं तो उसकी वजह से लाइफ ऑफ चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसी तरह फिर लाइफ ऑफ पेरेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आई थिंक सोशल डायमेंशन भी ऐड की हुई है मैंने, तो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, ये एक टर्शरी एग्जाम्पल है या फिर टर्शरी डायमेंशन है इसी चीज़ की। आप लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें, बट आई थिंक दैट इट शुड कम गिवन द फैक्ट कि ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉजिटिव, जो कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इक्वल शेयर्ड पेरेंटिंग की वजह से होती हैं। तो अगर एक बच्चा आप शेयर्ड पेरेंटिंग से पाल रहे हैं, उसको रेज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसने जाना तो फिर सोसाइटी में ही है ना, तो सोसाइटी को किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म करेगा, या फिर बहुत सारे बच्चे अगर शेयर्ड पेरेंटिंग में पाले जाते हैं तो वो किस तरह से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है सोसाइटी किस तरह से मॉडरेशन की तरफ टॉलरेंस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। दिस इज़ ऑल डिस्कस्ड इन सोशल डायमेंशन। तो ये आप लिखना चाहें अच्छी बात है, ना लिखना चाहें तो वो आपकी मर्जी। बैरियर्स टू शेयर्ड पेरेंटिंग जी, प्रॉब्लम्स क्या हैं या बैरियर्स क्या हैं जिनकी वजह से हम लोग शेयर्ड पेरेंटिंग की तरफ नहीं जाते, ये लिख सकते हैं आप। हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स वे फॉरवर्ड, ओवरऑल आपके एसे की डायमेंशन जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट डिटरमिन करती है, उसकी बेस पे आप अपनी आउटलाइन बनाएंगे। तो किसी भी तरतीब से आ सकते हैं या एक आधा और सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। बट आज की डिस्कशन हम इन पॉइंट्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं जी। बेनिफिट्स ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग, पहला पॉइंट जो कि हम डिस्कस करेंगे, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एनश्योर्स बैलेंस्ड ग्रूमिंग ऑफ चाइल्ड। भाई अगर शेयर्ड पेरेंटिंग है तो एक माँ और बाप दोनों का पर्सपेक्टिव उसको मिल रहा है और दोनों के पर्सपेक्टिव से, दोनों की ट्रेनिंग से, दोनों की एजुकेशन से जो वो इल्म हासिल करता है, जो वो स्किल्स सीखता है, जो उसका जो उसकी कल्चरल नॉर्म्स डेवलप होती हैं या फिर उसके बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं, दे विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड।
सिमिलरली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो बच्चा शेयर्ड पेरेंटिंग में पलेगा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जेंडर इक्वालिटी पे, गिवन द फैक्ट कि वो बच्चा कल को चाह के एक मॉडरेट इंसान बनेगा, उसको पता होगा कि भाई ये मेरे, क्योंकि वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश की है और उन्होंने मेरा बहुत सारा ख्याल रखा है, इक्वल टाइम दिया है मुझे, सो आई ऑल्सो हैव टू गिव इक्वल टाइम एज माई पार्टनर टू माई चाइल्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी, आप जो कल को उस बच्चे की बेगम है वो अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकती है, वो घर से बाहर भी निकल सकती है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनहांस्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज, के जो बच्चा शेयर्ड पेरेंटिंग में होता है उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, गिवन द फैक्ट कि भाई आप सिंगल एक टीचर से, एक ही उस्ताद से अगर आप सीखते हैं या फिर एक इंसान से सीखते हैं तो आपका नॉलेज में भी लिमिटेड हो, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट्स आपको सिखाते हैं तो वो चीज़ें कम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, एंड द चाइल्ड कैन हैव अ बेटर पर्सनैलिटी, या फिर उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, ये तो हमने जनरल दो तीन चीज़ें डिस्कस की ना, बेनिफिट्स ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग टू प्रूव के जी हाँ जी शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए। फिर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है जी, इम्प्रूव फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी फिजिकली और इमोशनली डेवलपमेंट अच्छी होगी, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी क्योंकि उसके बाबा जान जो है वो उसके साथ ज़्यादा खेल रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी इसलिए अच्छी होगी कि बच्चे को बताया जाएगा कि भाई लड़के के लिए रोना जो है इट इज़ नॉर्मल, ये कोई फ्लॉ नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट अ फेमिनिन थिंग, ठीक है, हैविंग इमोशंस इज़ परफेक्टली ओके, तो इमोशनल आपकी डिवेलपमेंट अच्छी होती है। इसी को हम अगले ऐसे में भी डिस्कस करेंगे जो कि है बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो उसमें हमें बताया जाता है कि बॉयज़ को हमेशा कहा जाता है कि आपने इमोशन लेस रहना है, बट दैट इज़ अ फ्लॉड अप्रोच, हैविंग इमोशन इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप अगर इमोशंस जाहिर करते हैं या फिर यू गिव दैम अ वे आउट टू योर इमोशंस, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बैलेंस्ड रहती है और आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है जी। ये दे विल ऑलवेज बी एन आउटलेट फॉर योर इमोशंस, और ये सारी चीज़ें पेंट अप नहीं होंगी, जमा नहीं होती जाएंगी आपके दिल में, और अल्टीमेटली कल को आप ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दी, व्हाट्स एवर, नहीं, ठीक है। यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी मोर कंपैशनेट। बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू जी के बच्चे की ग्रोथ जो है बैलेंस होगी, बेटर इकोनॉमिक एकेडेमिक आउटकम्स, बच्चे की एकेडेमिक आउटकम जो है या फिर एकेडेमिकली वो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेगा और परफॉर्म भी अच्छा करेगा। बेटर बिहेवियरल आउटकम्स, एकेडेमिक तो वो हो गए ना जो जो किताबी बातें हैं, भाई आपने लिखना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी देर में आप याद करते हैं, या ABC वगैरह, और आपको कितने कैपिटल्स के नाम आते हैं। बिहेवियरल आउटकम्स दूसरी चीज़ है कि भाई आपने लोगों के साथ बिहेव किस तरह से करना है, अपने से बड़े लोगों के साथ बिहेव किस तरह से करना है, अपनी उम्र के लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, अपने छोटों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, यू ऑलवेज हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस, ठीक है जी। इंक्रीज्ड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, एक बच्चा जिसको ये लगता है कि उसके दोनों पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो ही विल हैव एन इंक्रीज्ड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एंड ही विल बी हैप्पी इन हिज होम। पेरेंट्स पे आ जाते हैं जी, इस शेयर्ड पेरेंटिंग के पेरेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं जी, इंक्रीज्ड फुलफिलमेंट इन पेरेंटिंग रोल, जनाब आप पेरेंटिंग रोल में अपने आप को फुलफिल्ड समझते हैं कि भाई मैं भी अपने बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, सो ऐसा नहीं है कि मैं 15-20 साल बाद अगर बच्चा कोई गलती करता है तो मुझे ये ख्याल आ रहा हो कि काश काश मैं बचपन में अपने बच्चे को उठाता होता और उसको समझाता कि बेटा साथ वाले बच्चों को थप्पड़ मारना बुरी बात होती है, ठीक है। तो आपको एक फुलफिलिंग फीलिंग आएगी कि जनाब मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ एंड आई एम डूइंग अ गुड जॉब। सेकेंडली एनहांस्ड स्किल्स इन चाइल्ड रेयरिंग, तो चाइल्ड रेयरिंग जो है वो इटसेल्फ एक स्किल है वो भी आपकी एनहांस हो जाती है अगर आप शेयर्ड पेरेंटिंग करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स, अगर दोनों पार्टनर जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और वो उनको पता है जी कि एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा जो है बच्चा संभाल रहा है, दूसरा काम कर रहा है, पहला बच्चा संभाल रहा है, तो उनके दरम्यान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, दे नो ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, किसी एक की सेहत ख़राब है चलो मैं 10 दिन पूरे अकेले ही बच्चा संभाल लूँगा, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है कि जी बेगम को बुखार है तो फिर भी आप उसको उठा के कह रहे हैं जी कि आप नहीं बच्चा संभालना है, उसको लेके जाओ, वो सारा कुछ करो, ऐसा नहीं, ठीक
ठीक है, तो आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लेट मी जस्ट हैव सम वाटर हियर। चलें जी, इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम। जाहिर है दोनों मियाँ बीवी जो हैं अगर बच्चे की परवरिश करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए वेमेन के लिए टाइम बच जाता है एंड दे कैन डू प्रोडक्टिव वर्क, जिससे आपकी हाउस होल्ड इनकम भी इंक्रीज होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पैक्ट्स ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग ऑन पेरेंट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स। फिर है जी सोशल डायमेंशन, के अगर बच्चा जो है उसकी शेयर्ड पेरेंटिंग की जाती है तो उससे सोसाइटी के ऊपर क्या कैसा इम्पैक्ट आएगा। पीसफुल एंड टॉलरेंट सोसाइटी, बच्चा जो है उसकी ग्रोथ बैलेंस्ड है और वो अंडरस्टैंडिंग भी है, सो उससे पीसफुल और टॉलरेंट सोसाइटी पैदा होगी। सेकेंडली इंक्रीज इन वुमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बच्चा जो है वो अगर खवातीन के मसाइल जो है उनको समझता है तो उससे क्या होगा कि वो कल को अपनी बेगम को भी कहेगा कि हाँ जी आप भी जाके अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम एक्सरसाइज करें और लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें, कोई भी जॉब ले लें, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, देर इज़ नो कंपल्शन ऑन यू। तो ख़वातीन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बेहतर हो जाएगी। प्रॉस्परस सोसाइटी, जाहिर है ख़वातीन अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, उनके पास वर्क टाइम ज़्यादा मिल रहा है उनको अवे फ्रॉम द होम, तो वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिकली भी। सो उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी जो है वो प्रॉस्परस होगी इकोनॉमिकली। रिड्यूसेस जेंडर गैप, आपकी सोसाइटी में जेंडर गैप इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मर्दों को अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस और टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आउटसाइड द हाउस एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। तो ख़वातीन को अगर टाइम थोड़ा सा चाइल्ड रेयरिंग से एक्स्ट्रा अदर देन दैट मिल रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर देम। वुमेन की एजुकेशन भी अच्छी होगी, वो अपनी हेल्थ का भी बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, वो नौकरी भी अच्छी कर सकते हैं, सो जेंडर गैप आपका कम होगा। सिमिलरली कॉम्बैट्स अगेंस्ट द इवल्स ऑफ पैट्रियार्की एंड डोमेस्टिक वायलेंस। भाई जो बच्चा एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग में या शेयर्ड पेरेंटिंग में पला बड़ा है तो वो कल को पैट्रियार्क नहीं बनेगा, उसके लिए रोल मॉडल वही माँ बाप होंगे जो कि शेयर्ड पेरेंटिंग करते रहे हैं। तो वो कल को अगर कोई पैट्रियार्क उसके सामने आता है, ही विल बी मोर एबल टू स्टैंड अप टू हिम कि जनाब आप ये गलत कर रहे हैं, या औरत पे हाथ उठाना या औरत को कंट्रोल करना जो है ये गलत है, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट बींग, तो आप उसको उसी तरह रहने दें। सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी कम होगी क्योंकि बच्चा जो है वो समझदार है, बैलेंस्ड ग्रोथ है उसकी, पैट्रियार्की उसमें कम होगी। बैरियर्स पे आ जाते हैं जी, बैरियर्स या चैलेंजेस क्या हैं, किस वजह से शेयर्ड पेरेंटिंग नहीं होती हमारी सोसाइटी में। आप नोटिस करेंगे कि ये ज़्यादातर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जो वेस्ट है उसके प्रॉब्लम्स थोड़े से अलग हैं, ज़्यादातर सेम हैं बट थोड़े से फिर भी अलग हैं। बैरियर्स क्या है जी, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड जेंडर रोल्स। जनाब हमसे सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमने बाहर जाके कमाना है और वी हैव टू पुट द मील ऑन द टेबल, और फिर शाम को आके हमने चारपाई के ऊपर टांगे रख के टीवी पे जियो न्यूज़ लगा लेना और फिर सारी रात देखते रहना है। ठीक है, ये हमसे सोशल एक्सपेक्टेशन है कि जी बंदा जो है वो सुबह 8-9 बजे गया हुआ था, वो 5 बजे आया है, उसने ला के घर पैसे दे दिए हैं, सब्जी ला दी है, हांडी रोटी हो रही है, बच्चे पल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और वो बैठ के खबरें देख रहे हैं। ये सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, जेंडर बेस्ड रोल्स हैं, ये एक बैरियर है टू शेयर्ड पेरेंटिंग। लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप ख़वातीन को इफ़ेक्टिवली जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, और जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ आप बना सकते हैं। भाई कुछ ऐसे भी तो कपल्स होते हैं या हाउस होल्ड होते हैं जिनमें जो मेल और फीमेल दोनों की सेम टाइम पे जॉब होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग टाइम पे, वो सेम टाइम पे होती है, तो उस वक्त आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम है कि जहाँ पे आप बच्चा पकड़ा के तो जा सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। सिमिलरली लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कम होने की वजह से भी फिर औरत जो है अपना सबॉर्डिनेट स्टेटस जो है वो उसको यूज़ करती है, कहती है कि हाँ मैं बस मैं ठीक हूँ, मैं अपने घराने में ठीक हूँ, और आदमी जो है वो भी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कहता है कि बस तुम नहीं बच्चा उठाना है, मैंने नहीं उठाना, बस जो होना है सो होना है, मैंने सुबह जाकर मजदूरी करनी है, मैं बड़ा थका हुआ ऐसे, ठीक है। तो क्या है, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन,
रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करके आप कहते हैं जी कि औरत जो है ना उसी ने घर में बैठ के सारे बच्चे पालने हैं, कोई उसका काम नहीं है, ठीक है। तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। जो वालदैन है या फिर जो वालिद है उसको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, उनकी देखभाल करे, उनको देखे कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है या फिर उनके मसाइल क्या क्या हैं उनको हल किया जाए। सो ऑल ऑफ दैट देयर। वर्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, भाई वर्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स इन द मीनिंग के जो आदमी है उसने अगर 8-9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, तो औरत के लिए अगर औरत भी जाती है उसी टाइम पे जॉब पे तो वर्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास आ जाती है। आप शाम को आके, अब जिसका वर्क ज़्यादा हैक्टिक है वो ट्राई करेगा कि मैं आई शुड गो टू स्लीप अर्ली, और बाकी जो है दूसरा पार्टनर देखता रहे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मेल, पैट्रियार्की चलती है जी। सो वर्क एंड टाइम कंस्ट्रेंट होती है। आप किसी टाइम आप बच्चे को नहीं उठा सकते जी, कि आपके टाइम वर्क से कॉल आ गई। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं। तो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स वर्क, ये दीज थिंग्स वर्क, ये चैलेंजेस हैं या फिर बैरियर्स हैं। वे फॉरवर्ड में दो तीन अप्रोचेज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइटिंग जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस। इन रोल एक्सपेक्टेशंस को नलीफाई करें, इनको ख़त्म करें, तो फिर आप बेहतर तरीके से शेयर पेरेंटिंग कर सकते हैं। एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज टूवर्ड्स सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज के ऊपर अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आप चाइल्ड केयर फैसिलिटीज ज़्यादा देते हैं, आप चाइल्ड केयर सेंटर्स बना देते हैं। गवर्नमेंट रन चाइल्ड केयर सेंटर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में भी हैं। सो उनकी तरफ अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो इट विल प्रमोट शेयर पेरेंटिंग एट अ नेक्स्ट लेवल। अफोर्डिंग इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन एंड मैन। तो अगर आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज वर्क के लिए देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ ऑफ देम, के वो अपने लिहाज से अपना काम अरेंज कर सकते हैं, फिर अपना जो पेरेंटिंग है या टाइम है उसका उसको शेड्यूल कर सकते हैं, फैमिली को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसमें हमने शेयर्ड पेरेंटिंग के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ये ज़्यादातर आपके इस इधर उधर की चीज़ें हैं जो कि आप सोसाइटी में रोज़ाना देखते हैं कि किस तरह से हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से बच्चे पल रहे हैं, किस तरह से पेरेंटिंग होती है, किस तरह से कुछ पेरेंट्स निग्लेक्टफुल होते हैं। सो हमें चाहिए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन रेजिंग अ चाइल्ड, ताकि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो और सोसाइटी के ऊपर भी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।